పేరు చిత్తల్చా బలూచిస్తాన్కి సరే జన్మక్సీ జన్మక్సీ 80 కిలోమీటర్ ఒక గంగావాస 35 కిలోమీటర్ కే ఫాసిలే పర్ వాకే హే హమ్నే ముల్లా చుట్టూక్ సే వాప్సీ పర్ మషూరు కే బాద్ పేరు చిత్తల్చా జాని కో ఫెసిలిటీ मुल्लाक्रास में आप गुजारने के बाद सुबह सवेरे बड़ा स्थल में अंगू हिल्स के पहाड़ों के बीच से गुजरते रास्ते से आप जन्मसी पहुंचे। रात जन्मसी के मेन बाजार से पहले मौजूद एक होटल के बाद कैंपिंग करके बाद गुजारने सुबह सवेरे हम भी छत्र छके गए। अभी हम पीर चत्ता के मज़ार पर पहुंच चुके हैं। मज़ार पर हाजिरी फातिहा खवानी करने के बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ का वो मशहूर चश्मा जिसकी वजह से ये एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। ये है पीर चत्ता का वो चश्मा जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इन मछलियों के बारे में ये मशहूर है कि जो कोई भी इनको पकड़ने या खाने की कोशिश करता है तो इसके लिए नुकसान के सबब बनते हैं। यही वजह है कि सदियों से कोई भी शख्स इन मछलियों को नहीं पकड़ता। पीर चत्ता के बाद हम लोग बलूचिस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद रकेल शाह के आखिरी आरामगाह फतेहपुर की तरफ रवाना हुए।
दरगाह गंदाबाद शहर से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और ये हम पहुंच चुके हैं सूफी बुजुर्ग सैयद रकेल शाह के मज़ार पर। यह दरगाह का मेन दरवाज़ा है जो कि सिर्फ उर्स के मौके पर खोला जाता है। सैयद रकेल शाह 18वीं सदी के मुसलमान मुबल्लिग़ और सूफी बुजुर्ग थे। आप मखदूम ख्वाजा अब्दुल सत्तार सूफी अल कादरी के मुरीद और खलीफा थे। आपने सिंधी जबान में शेर व शायरी की। आपकी तमाम शायरी सूफी इज़्म पर मुश्तमिल है। टीम बॉस एडवेंचर क्लब के बलूचिस्तान टूर के लास्ट एपिसोड उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया।